अस्सलाम वालेकुम, मैं हयाली हाज़िर हूँ अपनी पिज़्ज़ा सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल वैसे जैसे हम नॉर्मली घर पे आटा गूंथते हैं। ये रेसिपी ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम है पिज़्ज़ा डो बनाना। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, रेसिपी को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर बना लेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है 500 ग्राम, यानी आधा किलो मैदा है ये। आधा किलो मैदे में यीस्ट जाएगी, 10 ग्राम यीस्ट यूज़ किया है मैंने, और साथ इसके ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ किया है मैंने 5 ग्राम, और नमक इसमें जाएगा 8 ग्राम, 1 टीस्पून नमक है ये, और चीनी इसमें जाएगी 25 ग्राम, तकरीबन 2 खाने के चम्मच चीनी है, और साथ ही मिल्क पाउडर जाएगा 2 खाने के चम्मच, यानी 25 ग्राम ये भी जाएगा। पहले इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर बाद में जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जैसे ऑयल और पानी उसको ऐड करके, तो फिर उसको नॉर्मल आटे की तरह जो है हम गूंद लेंगे। ऑयल इसमें जाएगा 50 ग्राम ऑयल यूज़ किया है मैंने इसमें, और पानी जो है मैंने इसमें 225 ग्राम यूज़ किया है, 1 गिलास पानी इसमें जाएगा। अब इसको जो है मिक्स करके अच्छे से, तो इसको रेस्ट देनी है बिल्कुल नॉर्मल, वैसे ही जैसे घर पे आटा गूंथते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको जो है रेस्ट के लिए रखते हैं, इसको जो है 1 घंटे के लिए हम रखेंगे, रेस्ट देंगे इसको। डो बनाने के लिए मैंने जो पानी यूज़ किया है वो ताज़ा पानी यूज़ किया है, जैसे नल का ताज़ा पानी आता है वो वाला लिया है, इसको गर्म नहीं किया है क्योंकि आजकल मौसम जो है वो गर्म है, तो पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मौसम ठंडा है उस वक्त भी आप पानी को गर्म ना करें, सिर्फ उसकी ठंडक ख़त्म करें। इससे क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा ठंडा हो या ज़्यादा गर्म हो तो यीस्ट जो है वो डेड हो जाती है और फिर आपकी डो जो है वो राइज नहीं हो पाती। इस वजह से पानी जब भी यूज़ करें ताज़ा करें, ठंडा हो तो सिर्फ उसकी ठंडक ख़त्म करें, उसको गर्म ना करें। इससे जो आपका आपकी जो डो है वो राइज अच्छे से होगी, पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। वैसे तो ये इसको जो है पानी में 10 मिनट पहले जो रखा जाता है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ड्राई एक्टिव यीस्ट होती है, ये जो है डायरेक्ट यूज़ होने वाली यीस्ट है, जो पानी में यूज़ होती है वो और होती है। लेकिन अगर आपने जो है यीस्ट यूज़ की है और वो 2-3 हफ्ते पड़ी रही है और फिर आपने जो है डो बनानी है, तो उसके लिए आप कर सकती हैं कि 10 मिनट के लिए उसको रख दें पानी में डाल के, ताकि आपको पता चल जाए कि जो यीस्ट है वो डेड तो नहीं हो गई। अगर उसमें बबल्स बन जाएं तो आप यूज़ करें, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए। अगर उसमें बबल्स ना बने तो फिर आप उसको यूज़ ना करें, इसका मतलब है कि वो डेड हो चुकी है, वो यूज़ के काबिल नहीं रही। आप देख सकते हैं इसको मैंने नॉर्मल जिस तरह घर में आटा गूंथते हैं बस वैसे ही गूंधा है। इसमें सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको पहले आप ऐड कर लें और वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको बाद में ऐड करें। अब इसको मैं ऑयल लगा के, तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूंगी, ताकि ये राइज हो जाए अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डो बनाना सिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि हर चीज़ की जो है वो आपको प्रॉपर जो है समझ आए। पिज़्ज़ा डो जो है वो अच्छे से राइज हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। अब जो है इसको दोबारा से हल्का सा गूंदेंगे, इसको मतलब बस इकट्ठा करना है। पिज़्ज़ा डो से मुतल्लिक कोई भी सवाल जो आपके समझ में ना आया हो या आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिज़्ज़ा डो तैयार है हमारी। इस पिज़्ज़ा डो से आप 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो इनको जो है हल्का बेक करके, तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको बेक करके
तो स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो डो को भी आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। डो को अगर स्टोर करना है तो वो तकरीबन 3 दिन 4 दिन के लिए आप इसको जो है स्टोर कर सकते हैं। और अगर बेक करके स्टोर करेंगी तो वो आप तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए जो है स्टोर कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।